पकाई के लोगे बाहर से लाओगे तो ये तो आप पकाई के साथ बोल रहे हैं। ये क्या है केकड़ा इधर के टांगे बांधी हुई क्यों है अरे मुंह है टांगे मुंह है भाग ना जाए फिर मेरे को लगा अबे टांगे मुंह है टांगे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अहसन वीरगो। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा कि मैं आया हूँ राशिद भाई के पास किमाड़ी गुलशन हदीस से। ये राशिद भाई हैं, आप देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। राशिद भाई आपको कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे? यहाँ पे जी मेरे को इस काम पे हो गए बजाते खुद 25 साल का, जो इससे पहले मेरे वालिद साहब काम करते थे। यार हमने हर जगह पे, हर YouTube चैनल पे, हर जगह पे राशिद भाई का ही नाम सुना है सीफूड को, और आज हम यहाँ पे आए ट्राई करने। राशिद भाई से बड़ी मुश्किलों से हमने 2 मिनट लिए हैं। राशिद भाई आप मुझे बता सकते हैं आपके पास कितनी किस्म की फिश होती हैं? मेरे पास ऐसा 10-12 किस्म का है। अच्छा, इसमें हीरा है, काला पापलेट है, धोटर है, धंधी है, मुश्क है, सुरमई है, व्हाइट पापलेट है, फिंगर है, प्राउन्स है। और क्या क्या चीज़ें हैं? प्राउन्स का कढ़ाई है, प्राउन्स का बारबेक्यू है, फिश का फ्राई है, फिश का बारबेक्यू है। भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें, बस 2 मिनट भी बहुत थे राशिद भाई के, क्योंकि भाई इनका काम बहुत ज़्यादा है, संडे का दिन है, इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो स्टोरी कुछ यूँ है। कम से कम अगर सफाई मफाई हो जाए और कढ़ाई हो जाए आधा घंटे से। आधा घंटा? जी भाई। दादा आप बना रहे हैं ये कढ़ाई झींगा? झींगा कढ़ाई बनने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है। 5 मिनट? वाह यार, कितना। झींगा थोड़ा पीछे उबाल लेते हैं। अच्छा, 2-3 मिनट उसको उबालते हैं फिर बना दे। 5 मिनट लगता है। 5 मिनट लग जाते हैं भाई। देख रहे हैं आप यहाँ पे काम कैसा दबा-दब चल रहा है, संडे का दिन है। थैंक यू सर। बारबेक्यू बना रहे हैं आप लोग? जी हाँ। ये फिश का है? ये झींगे। झींगे? झींगे बारबेक्यू? जी। नहीं यार, ये लेटर आप देख सकते हैं, झींगे बारबेक्यू का है ये बना रहे हैं भाई। दोस्त ये क्या लगे हुए? ये मछली लगे हुए, तैयार हो गया मछली। ये ऑर्डर है? जी जी। बहुत जबरदस्त टेस्ट है यार इसका तो।